हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली क्योंकि आज हम बात करने वाले बीपीएससी ट्री 3.0 के बारे में और इसके अलावा टीचिंग एलिजिबिलिटी को लेकर के जो चेंजेस की बात हो रही है आप सभी ने अब तक न्यूज में देखा होगा उसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज आप सभी ने देखा होगा कि अब टीचिंग एलिजिबिलिटी को चेंज किया जाएगा, तो इसमें ऐसा क्या है? तो इसमें ये बताया गया है कि जो डीएलएड 27-28 वाला होगा, मतलब 2027-28 वो लास्ट सत्र माना जाएगा और उसके बाद 2030 से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल दी जाएगी। यानी कि जैसे बीएड को अभी समाप्त किया जा रहा है वैसे ही आपका डीएलएड को भी समाप्त किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुनकर मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही मतलब है, आप वैकेंसी दे नहीं रहे हो और फिर क्राइटेरिया वगैरह चेंज कर रहे हो, एलिजिबिलिटी पैटर्न चेंज कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? हमें तो वैकेंसी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ आप एस्टेट चाहिए, सुपरटेट चाहिए, वो चीज़ आप नहीं करा रहे हो और ये सारे टूल्स आ रहे हैं। और अभी इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये है कि हर स्टेट में अलग अलग, मतलब अभी तक तो रूल्स हैं और इसके बाद पूरे देश में ये रूल लागू होगा और अलग अलग चेंजेस होंगे। यानी अब तक जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो चेंज होगा, डीएलएड वगैरह चेंज होगा और बीएड को भी जिस तरह से बताया गया है कि अब बीएड बंद हो रहे हैं, बीएड बंद हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ही साथ के जिन्होंने बीएड कर रखा था बट अब वो डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं और फिर ये न्यूज़ निकल करके आ रही है कि आने वाले टाइम में डीएलएड को भी हटाया जाएगा। तो इसमें ये सारी चीज़ों को लेकर के आता है कि क्या आने वाली वैकेंसी में अब ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अब ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होगी? तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन टीचर प्रोग्राम के तहत ही ये सारी चीज़ें होंगी और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद के होंगे या 12th के बाद 4 साल के होंगे, जो मतलब नए नए कोर्सेज जो आएंगे वो ही एलिजिबल रहेंगे। तो क्या जो पहले से कोर्स कर रखे हैं उनका अब क्या होगा? क्या वो आने वाली वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो रूल आता है उसकी जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये चीज़ें होती है कि जो पहले से कर रखे उनको नहीं हटाया जाएगा बट जो अब से रूल चेंज हुआ यानी कि अब से डीएलएड या बीएड को बंद किया गया तो आने वाले टाइम पे जो नया कोर्स होगा वो लोग करेंगे, वो एलिजिबल होंगे। आसान शब्दों में समझाना चाहते हैं कि जैसे जो पहले से डीएलएड कर रखे हैं या जो भी कोर्स है वो कर रखे हैं बीएलएड या डीएलएड, वो एलिजिबल हैं बट आने वाले टाइम में इन कोर्सेज को बंद कर दिया जाएगा और नए कोर्सेज होंगे, तो वो वाले कोर्स जो नए करेंगे वो तो एलिजिबल रहेंगे और पुराने वालों को भी रखा जाएगा। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ क्या कैसे होगा। कुछ कमेंट्स भी मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है, तो हर एक कमेंट मेंशन करना के पॉसिबल नहीं है बट कुछ कमेंट्स हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोगों को ये लगता है कि सीटेड जो है वो जुलाई वाले बीपीएससी 4.0 में अपीयर होंगे या नहीं, तो इस चीज़ को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और मतलब ये वेट कर रहे थे कि टेस्ट बुक की सबसे अच्छी वाली सेल कब आएगी क्योंकि उस टाइम पे ही आपका प्रॉफिट होता है, तो इस टाइम पे आपकी टेस्ट बुक की सेल चल रही है और आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 263 में आपको बस कोड यूज करना है एस्टेट और आपको ईयरली पास प्रो मिल जाएगा और ये ऑफर सिर्फ 31st तक है, तो फटाफट इसका फायदा उठा लीजिए। और यहाँ पर आपको 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 20 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है जिनसे आप लोग खुद को कंपेयर कर सकते हैं और 700 से ज्यादा एग्जाम्स हैं। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पर आप लोग हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर और उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो जो भी लोग ये जानना चाह रहे थे कि बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम की डेट कब आएगी, मतलब री एग्जाम कब होगा, तो अभी जो न्यूज निकल करके आई अब तक, आई होप आप लोगों ने जान भी लिया होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है। स्टे क्यों लगा दिया गया है ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है और मैं आपको बता भी देती हूँ कि बहुत सारे SC ST के टीचर्स हैं जिनको हर साल के अकॉर्डिंग 5 नंबर का ग्रेस मिलता था, मतलब 5 साल का अगर गैप है तो 25 मार्क्स उनको मिल जाते थे, 25 नंबर उनको मिल जाते थे। तो इसी चीज़ों को लेकर के गेस्ट टीचर ने कहा कि हमें भी दो फिर मार्क्स, हमें भी 5 नंबर चाहिए हर एक साल के वाइज अकॉर्डिंग, तो उन्होंने अपनी बात रखी हाईकोर्ट के सामने और यही सारी चीज़ें चल रही थी और इसी वजह से हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो अभी बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम होने में बहुत टाइम है और ये वैकेंसी आपकी डिले हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब लो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, एक बार कैंसिल हुआ है तो री एग्ज़ाम तो होगा ही बट कब तक होगा ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा ही दिया है, तो फिर टाइम इसमें लग सकता है। और जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या सीटेड जुलाई वाले बीपीएससी ट्री 4.0 में एलिजिबल रहेंगे या नहीं, तो अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3.0 ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, डिले हो रहा है
और अभी टाइम उसमें लग रहा है एग्जाम वगैरह होने में, वैकेंसी और फिर उसको ज्वाइनिंग वगैरह में टाइम लगेगा, तो जितना इधर आपका डिले होगा उतना ही डिले हमारा बीपीएससी 4.0 होगा। और अगर डिले होता जाएगा और उससे पहले हमारा सीटेट का एग्ज़ाम तो है ही आपका जिले में, रिजल्ट आ जाता है तो फिर हम लोग अपना, अगर सीटेट जुलाई का रिजल्ट आ जाता है तो बीपीएससी 4.0 में एलिजिबल रहेंगे। तो जिनका भी सीटेट है अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ताकि यहाँ पर ऐसा ना हो कि 90 मार्क्स से कम हो और पिछली बार हुआ वैसा कुछ हो सके। और आप लोग ऐसी वीडियोस को सिर्फ एक बार देखा करिए कहीं की किसी भी चैनल पे, मैं ये नहीं कह रही आप मेरी चैनल पे देखिए, बट एक वीडियो देख लिया करिए और फिर स्टॉप कर दिया कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको बार बार सर्च करके अलग अलग चैनल्स पे वही न्यूज़ देख रहे, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।